इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स किसी भी नंबर को हम लोग चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में। देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, टेबल दी है, फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन ये है तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अगर हमारा फंक्शन इस तरीके का है, पी एक्स प्लस क्यू अब ऑन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए ए एंड बी आर द कोफिशियंट्स, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी ए एक्स माइनस बी। ये कॉन्स्टेंट है, इनको फाइंड करना होगा। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो इसको लिखने का तरीका है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इफ अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो इसको हम लोग नीचे है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। और अगर यहाँ क्वाड्रेटिक ऊपर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। नेक्स्ट, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन आर बाई एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी से हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 7.5। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस, द फर्स्ट इज एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग बताया था ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। देखिए, अब इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं, तो अभी मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर यहां आप लोग एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू और ये होगा बी एक्स प्लस वन, और इधर आपका एक्स दिया हुआ है और नीचे है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, एक्स का कॉफिशियंट इधर क्या है, वन, और यहां क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और जो कांस्टेंट है यानी टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। देखिए, एलएचएस आरएचएस में एक्स का कॉफिशियंट कंपेयर किए हैं, दूसरा कांस्टेंट का। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, टू ए इक्वल टू माइनस बी, यानी a इक्वल टू माइनस बी बाई टू। इस इक्वेशन में हम लोग डालेंगे माइनस बी बाई टू प्लस बी, यानी ये क्या बचेगा, b बाई टू, इट मीन्स b इक्वल टू टू। अगर b इक्वल टू टू है तो a क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई टू, इट इज इक्वल टू द माइनस वन। ठीक है, अब इसी वैल्यू का हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर इंटीग्रेशन, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डॉट डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन, यानी माइनस माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये अलग अलग हो गया, ये डी एक्स हो गया, प्लस बी, यानी बी आपका कितना है, टू टू अपॉन एक्स प्लस टू डॉट डी। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और इसका आएगा टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, अब यहां टू है तो इस पर हम लोग पावर लगा के लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, और ये माइनस पीछे लगा देंगे, फिर इसको हम लोग डिवीजन फॉर्म में दे देंगे प्लस सी, तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आसान है, इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन,
फिर उसी तरीके से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस थ्री प्लस b अपॉन x प्लस थ्री, और फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा वन इक्वल टू ए एक्स प्लस थ्री और ये होगा b x माइनस थ्री, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल। अब देखिए x का कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, इधर x नहीं है, यानी a प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड 3a माइनस थ्री बी इक्वल टू वन। तो पहली इक्वेशन से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी, और इसको इसमें पुट कर देंगे तो 3 इंटू माइनस बी माइनस थ्री बी इक्वल टू वन। यहां से क्या हो गया, माइनस सिक्स बी इक्वल टू वन, यानी बी इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स। अब बी माइनस वन बाई सिक्स है तो ए इक्वल टू वन बाई सिक्स, ए इक्वल टू वन बाई सिक्स। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डॉट डी एक्स। हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स माइनस थ्री यानी वन बाई सिक्स वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, और दूसरा में माइनस आ जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स है, वन बाई सिक्स वन अपॉन एक्स प्लस थ्री डॉट डी एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब दोनों में हम लोग वन बाई सिक्स इधर आ गया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, माइनस है बीच में तो ये डिवीजन रूल से